हेलो गाइस, भाविश के किचन में मैं आप सभी का स्वागत है। आज की रेसिपी आपके साथ जो शेयर करने जा रही हूँ वो है पीनट बटर की रेसिपी, क्योंकि आजकल लोग और बच्चे बूढ़े कोई भी है वो सभी जो है पीनट बटर खाना काफ़ी पसंद करते हैं क्योंकि ये काफ़ी फायदेमंद होता है। उससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाइए। सबसे पहले हमने लेनी है कच्ची मूंगफली। ये 250 ग्राम मैंने कच्ची मूंगफली ली है। ये आपको किसी भी दुकान से मिल सकती, करियाना स्टोर से, चाहे पंसारी की दुकान से आपको कच्ची मूंगफली आराम से मिल जाएगी। अगर आपके पास कच्ची मूंगफली ना हो तो आप जो है रोस्टेड मूंगफली का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैंने पैन लिया है, पैन को मैंने गरम कर लिया है। अब इसमें मूंगफली डालकर इसे जो है रोस्ट करना है। 5 से 10 मिनट तक आपकी मूंगफली जो है अच्छे से रोस्ट हो जाएगी, लेकिन आपको हाई फ्लेम पर बिल्कुल भी इसे रोस्ट नहीं करना है, क्योंकि हाई फ्लेम पर रोस्ट करने से क्या होता है, मूंगफली बाहर से तो जल जाएगी और अंदर से कच्ची रह जाएगी। तो इसलिए लो टू मीडियम फ्लेम पर आपको इसे जो है रोस्ट करते रहना है। तो अब मेरी मूंगफली लगभग रोस्ट हो चुकी है, तो मैं आपको दिखाती हूँ। जब इसका ऐसे छिलका निकलना शुरू हो जाए तो समझ लेना आपकी मूंगफली जो है रोस्ट हो चुकी है। लेकिन हम इसे 10 मिनट ठंडी करने के बाद ही इसे जो है इसका छिलका निकालेंगे, क्योंकि गर्म गर्म मूंगफली में जो क्या है छिलका आसानी से नहीं निकलता। तो अब मूंगफली ठंडी हो चुकी है, तो अब मैं दिखाती हूँ छिलका कितने आराम से देखना निकल जाएगा। तो देखिए हल्का सा मैंने इसे रगड़ा है और हमारी जो है छिलका उतर गया है इसका। तो एक तरीका तो ये है, आप हाथों से मसल के भी इसे निकाल सकते हैं, और दूसरा तरीका है कि इसे किसी भी किचन का टॉवल ले लें, चाहे कोई भी आपके पास कपड़ा पड़ा हुआ तो उसमें इसे डालकर इसे अच्छी तरह मसलना है हाथों की हेल्प से। ऐसे मसलेंगे तो आपका काम जो है जल्दी आसानी से हो जाएगा और छिलके भी 5-10 मिनट में निकल कर जो है अब मूंगफली साफ़ हो जाएगी। तो देखिए मेरी मूंगफली जो है काफ़ी अब साफ हो गई है। तो अब छिलका जो है इसका अलग कर लेते हैं। तो हमारी जो है मूंगफली एकदम छिलके के बिना हो चुकी है। तो अब हम इसे करते हैं मिक्सर ग्राइंडर में ग्राइंड। इसे ग्राइंडर में डाल देना है आपने और इसे जो है मिक्सर ग्राइंडर में ग्राइंड करना है। ग्राइंड करते वक्त क्या ध्यान रखना है कि इसे जो है पल्स मोड पर जाए कीजिए, चाहे थोड़ा थोड़ा जो है दरदरा पीस लेना है। मैंने देखिए इसे 10 से 20 सेकंड ही सिर्फ इसे मिक्सर ग्राइंडर में चलाया है। अब इसमें मैं थोड़ा सा नमक, इसमें 2 चम्मच मैं जो है हनी का इस्तेमाल कर रही हूँ। अगर आपके पास हनी ना हो तो आप शुगर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो फिर इसे 10 सेकंड या 20 सेकंड के लिए इसे जो है अच्छे से ग्राइंड कर लेना है। तो हमारा जो है पीनट बटर बनकर एकदम तैयार हो चुका है। बाजार वाले क्या करते हैं, इसमें रिफाइंड ऑयल का भी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन मैंने कोई भी इसमें रिफाइंड ऑयल, कोई भी प्रिजर्वेटिव, कुछ भी इसमें इस्तेमाल नहीं किया है। बिल्कुल होममेड बटर, पीनट बटर बनाकर आपको बताया है। अगर आप चाहते हैं कि बाजार जैसा हो तो आप 2 या 3 चम्मच जो है रिफाइंड ऑयल इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। हमारा पीनट बटर काफ़ी स्मूथ बनकर तैयार हुआ है। तो रेसिपी पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलना। बाय बाय, थैंक यू।